हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं दो कलर की एक सुंदर तोरण पट्टी बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप आसानी से और बहुत जल्दी ही बना लेंगे। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले हम ये बीच वाला पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम पहले एक लूप बनाएंगे। अब हम चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। फिर हम यहाँ फर्स्ट वाले में आके यहाँ से डबल क्रोशिया के साथ यहाँ से जोड़ेंगे, एक, दो, डबल क्रोशिया से हम जोड़ दिए। अब फिर हम यहाँ से चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। अब हम एक फंदा लिए और इस वाले होल से निकालेंगे, एक टान कर ऐसे बराबर कर लें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, एक और दस। दस बार हम लिए इसमें। अब हम आस्ते से इसको यहाँ से इसके अंदर से ऐसे खींच के धीरे धीरे यहाँ ले आएंगे और यहाँ एक चेन से बांध देंगे। फिर हम चार चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार। फिर वापस यहाँ से घूम गए। अब हम यहाँ इस वाले ये जो चार चेन लिया था हमने उसमें फिर यहाँ एक लूप लिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये मैंने 10 लिया है। आप चाहें तो इसे 8 बार भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए। फिर एक चेन लेके फिर यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से डिज़ाइन बना। फिर चार चेन लेंगे, एक, दो हो गए, तीन, चार। फिर हम घूम जाएंगे। फिर इसी वाली चेन में यहाँ डिज़ाइन बनाएंगे, एक, दो,
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। फिर अंदर से खींच के फिर ये डिजाइन है बना ली। फिर हम चार चेन लेंगे, दो तीन चार, फिर यहाँ घूमें इस चेन में से ही डिजाइन बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। फिर यहाँ से लिए फर्स्ट वाले में से निकाले, और यहाँ से यहाँ बांध दिए। फिर हम एक पहले था, दो हुआ, तीन चार, फिर हम लूप लिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। फिर हम यहाँ से लिए और यहाँ बाहर खींचे, इसको इस तरह से जोड़े। इसी तरह से पूरा डिज़ाइन हम बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से ऐसे ही पूरा, जितना बड़ा आपको तोरण पट्टी का लाइन चाहिए उतना बड़ा आप बनाते हुए चलेंगे। इस तरह से हम पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे पहले, फिर हम दूसरे कलर को लगाएंगे। हम इस जगह से लगाएंगे, पहले एक चेन बना के इसे यहाँ से टाइट कर लेंगे, यहाँ से खींच देंगे। फिर हम चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, यहाँ लाके सिंगल क्रोशिया से ही जोड़ देंगे इस तरह। फिर चार चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, एक दो तीन चार।
एक दो तीन चार, फिर यहाँ जोड़ेंगे, एक दो तीन चार, जोड़ दिए हैं, एक दो तीन चार। अब हम यहाँ ला के जोड़ेंगे इस पर, ये हो गए। फिर हम यहाँ से एक दो तीन चार इस वाले टॉप पे ला के जोड़ेंगे। एक दो तीन चार यहाँ जोड़ेंगे, इस तरह से पूरा बनाते हुए हम जाएंगे। यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ और यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ और यहाँ से सीधा यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ से हम आके इस पर जोड़ देंगे। ये पूरा हो गया। अब हम इसमें आएंगे और एक पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हुआ, फिर अब हम लूप लिए और एक डबल हाफ क्रोशिया बनाया, फिर हम लूप लिए, एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक लूप लिए यानी कि फंदा, और फिर एक डबल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन लिए और यहाँ से आके इस तरह से लेके और यहाँ ये यह हम डिज़ाइन बनाए। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पहले डबल क्रोशिया, फिर एक फंदा लिए और यहाँ आके हम डबल हाफ क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लें इस तरह से। ये पूरा हुआ, पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएं, फिर डबल हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया मिडिल का जिसमें हमको ये डिज़ाइन बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर डबल हाफ क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाएं। अब हम बगल में आए, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम एक फंदा लिए और एक डबल हाफ क्रोशिया बनाया, फिर एक फंदा लिए, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक फंदा लेके फिर एक डबल क्रोशिया बनाए। ये हो गया बीच का, एक दो तीन, यहाँ से लिए, यहाँ से लाके इस तरह से निकालिए। फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे डिज़ाइन के बाद, और एक डबल हाफ क्रोशिया एक बार में, और एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। एक डिज़ाइन ये कंप्लीट होती है इधर की। अब इसी तरह से पूरे डिज़ाइन हमारे बनेंगे हर एक में, यहाँ भी सब जगह।
सन में बन के इस तरह से देखिए, सेम डिज़ाइन सब में, एक यहाँ बीच में, फिर यहाँ और यहाँ भी ऐसे सेम इसी तरह से पूरे डिज़ाइन बनेंगे।